क्या आप दमीर साहब हैं? जी कहिए। आपका कुछ सामान आया है। आप ये सामान ले जाइए, ये यहाँ से जाने ही वाले हैं। आप ये सामान अंदर ले आइए, मैं बताता हूँ इसे कहाँ रखना है। कहाँ रखवाओगे ये सामान? लिविंग रूम में। वहाँ जगह नहीं है। तो छत पे रखवा देते हैं? वहाँ भी जगह नहीं है। तो बेसमेंट सही रहेगा? वहाँ तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। बोरो की बात को रहने दो, सिलीन का बताओ कहाँ गई थी वो? मोबाइल चार्ज करने गई, उसके बाद गायब हो गई। ये तो सोचने वाली बात है कि फोन चार्ज करने में उसे इतना वक्त कैसे लग गया। दमीर और सिलीन दोनों ही उस पार्टी में बाद में नहीं दिखाई दिए। जरूरी नहीं कि वो दमीर के साथ ही हो, बुराक भी तो नजर नहीं आ रहा था ना। सही कहा, और बुराक को पसंद भी तो करती है, तो क्या बुराक और सिलीन साथ थे? तुम उस लड़के से भी नहीं मिले जिसका मैंने तुम्हें बताया था? जानती हो वो लड़का जर्मन है। प्यारी अम्मी, मुझे नहीं करनी अभी शादी। सारा वक्त तुम घर में अकेली रहती हो, कोई भी नहीं है तुम्हारे पास जो तुम्हारा ख्याल रख सके। सिलीन, क्या कोई लड़का है तुम्हारे साथ? वो लड़का दरअसल उसके साथ सामान मंगवाया था मैंने। तुम ऐसा करो, सामान अंदर रख दो। हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जो क्लाइंट बनने की एक्टिंग कर सके, और फिर वो जो क्लाइंट है वो दमीर की नाक में दम कर देगा, फिर समझो हमारी परेशानियां खत्म। कमाल आइडिया है। क्या मतलब है तुम्हारा फालू? इतने मासूम मत बनो, सेलिन का क्रश हो तुम सालों से। ऐसा कुछ भी नहीं। हो सकता है दोस्त की तरह वो मुझे पसंद करती हो, लेकिन क्रश होना? अगर वो तुमसे प्यार करती है तो तुम भी जरा प्यार जताओ। हमें किसी वक्त भी उसकी जरूरत पड़ सकती है, और हम अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।